हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। और आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेट 115 to 120 डेज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, रिब्स जो है पसलियों को बोलते हैं, इनके बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं, दैट मीन्स 24 टोटल रिब्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एंड देयर फॉर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, एंड दैट इज कीवी। कीवी इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एक और चीज आप ध्यान रखिए, कीवी न्यूजीलैंड देश में मिलते हैं और जो न्यूजीलैंड के निवासी होते हैं उनके कीवी नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द वर्टिब्रेट दैट हैज टू चेम्बर्ड हार्ट? वर्टिब्रेट हम उस एनिमल को बोलते हैं जिसका स्पाइनल कॉर्ड किसी कार्टिलेज के अंदर फिक्स होता है। चेम्बर हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं और जो पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं। क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल। रेप्टाइल में जनरली तीन चेम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। ब्लू वेल अगेन मैमल, और मैमल में फोर चेम्बर्ड, साथ ही साथ ब्लू वेल इज हैविंग द लार्जेस्ट हार्ट, सबसे बड़ा हार्ट होता है ब्लू वेल का। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। इफ वी टॉक अबाउट स्नेक, स्नेक में तीन चेम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल है। फिश हैज अ टू चेम्बर्ड हार्ट, सो देयर फॉर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? फुल फॉर्म ऑफ WBC इज वाइट ब्लड सेल्स, और इनका जीवन काल 2 से लेकर 15 दिन। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन, तो मसल्स होती हैं 639। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हड्डियों की पूछी जाए तो 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इज व्हाट? स्पर्म। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज ओवम, दिस इज अ फीमेल ऑर्गन। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड? फिजिकल फेज इज नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टेन, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन एज एंटायर लाइफ? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। जो जानवर जीवन भर पानी नहीं पीता, दैट इज कंगारू रैट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट पिट्यूटरी ग्लैंड। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड इज पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 12, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADH? ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी? लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आर बॉडी इज aorta।
So C option is absolutely correct. Now which of the following carries in pure blood? आप जानते हैं कि जब heart pumping करता है तो कुछ pure blood और impure blood blood vessels carry करते हैं. तो जो blood vessels pure blood लेकर के आती हैं उनको हम लोग pulmonary artery बोलते हैं. That is A option is correct answer. Question number 17. Who had performed the world's first heart transplant? Now this is very important. कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है. सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नर्ड. सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड अनदर वन इज फुलरीन. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स. एक कान में तीन, दो कान होते हैं, तीन प्लस तीन, छः टोटल हड्डियां होती हैं. तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. टोटल हड्डियां ह्यूमन बॉडी में 206. 20. विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर. सो फॉर लो टेम्परेचर वी यूज पायरोमीटर. बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. 21. वॉट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन्स एंड स्टार्स. तो सन में आप जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है. स्टार्स में भी यही प्रोसेस होता है. तो दोनों ही हमारे आंसर बनेंगे. तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं. तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये काम फोटोवोल्टेइक सेल करता है और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. 24 है. वॉट इज द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है. अब सेंटर ऑफ अर्थ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जीरो इसका वैल्यू होता है. तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. 25 इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ईएमआई का एसआई यूनिट क्या होगा. तो टेस्ला इज द करेक्ट आंसर. ओम रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है. क्यूरी रेडियो एक्टिविटी का है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. तो आप सब यूनिट्स लर्न करिए. वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. जय हिंद, जय भारत.